छाता शुगर मिल चालू करवाने के लिए लगा देंगे जी जान, चाहे देनी पड़ जाए कोई भी कुर्बानी। छाता तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा दिए जा रहे छात्र शुगर मिल चालू करवाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर आज राष्ट्रीय लोक दल के कुंवर नरेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष अपना समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने बताया कि वर्तमान क्षेत्रीय विधायक के समय में ही यह शुगर मिल सन 2008 में बंद कर दी गई थी। चुनावों प्रचार के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तब गृह मंत्री थे, तो उन्होंने गांव तरौली में अपनी जनसभा को संबोधित करने के दौरान किसानों से वादा किया था कि जल्द ही छाता शुगर मिल को चालू करवा दिया जाएगा, लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाई है। वह केंद्र में अब भी रक्षा मंत्री, उसके बावजूद भी यह सरकार चुनावों के समय में ही लोगों को लुभाने वाले वादे कर वोट ले लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद अपने किए हुए वादों को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि शुगर मिल को चालू करवाने के लिए हम कभी भी जान लगा देंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अनिश्चितकालीन धरना किसानों द्वारा दिया जा रहा है, उसको आज आपने लीड किया है, उसको संबोधित किया, क्या कुछ कहेंगे उनकी मांग, किसानों की मांगों? देखिए, हम तो कई वर्षों से कहते आ रहे हैं, पहली बार नहीं कह रहे, लेकिन ये गूंगी भैरी सरकार, किसान विरोधी सरकार, इसके कान पे जू नहीं रह रही। मैंने एक बार अभी भाषण में भी कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि पहले इसका उत्पादन 1.5 गुना बढ़ाया गया था, मुलायम सिंह जी खुद आके यहाँ घोषणा कर गए थे, आप लोगों को भी स्मरण होगा। लेकिन अब जो सर्वे हुआ है 2-1.5 साल पहले, उसमें सर्वे में ये रिपोर्ट गई है, मुझे गोपनीयता से पता लगा है कि यहाँ खारी पानी है, इसलिए यहाँ गन्ने का उत्पादन नहीं हो सकता। देखिए, सरासर झूठ है, मिथ्या है, और ये इन लोगों को इससे जो लगी हुई 100 एकड़ भूमि है उसको खाने की योजना है। पिछली सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो थी मायावती जी की, उनका एक मित्र था पोंटी चड्डा, हालांकि खुदा ने उन्हें उठा लिया, लेकिन उनकी नीयत यही थी कि इन मिलों को खरीदें और इससे लगी हुई जो कीमती ज़मीनें हैं उनको बेचें, उनमें कॉलोनाइजेशन करें या मोटे पैसों में बेचें। कैसी मिलें हैं, कई मिलें हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनमें उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया, तो वही काम इनका था। जबकि सरकार चल रही थी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो अब हैं मंत्री हैं, वो उस वक्त भी विधायक थे और मंत्री थे, मंत्री काल में ये मिल बंद हुई है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। और आज वो मंत्री हैं, आज चला लें, केंद्र में भी उनकी सरकार है, प्रांत में भी उनकी सरकार है, उस वक्त तो केंद्र में अलग थी, प्रांत में अलग थी, तो आज तो कोई संकट ही नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा, नीयत साफ नहीं है। नीयत जब तक साफ नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा, तो इसलिए हमारी ये संघर्ष समिति को पूरा समर्थन है, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी समर्थन है, और अभी मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश जी अगले इजलास में 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के दिन आ रहे हैं, जयंती जी भी आ रहे हैं, मैं वहाँ भी इस बात को रखूँगा और उनसे ये वादा लूँगा कि अगर आपकी भगवान करे सरकार बन जाए, जैसे कि दिख रहा है कि काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है, कल जौनपुर में भी और भी जगह हो रहा है, तो जनता जो उमड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन 22 में होगा, तो मैं उनसे ये वादा लूँगा अखिलेश जी से कि अगर आप बनेंगे तो पहली कलम छाता शुगर की मिल पे चलेगी, आप उसका अनुदान सबसे पहले देंगे और मिल को चालू करने की, जैसे आपके पिताजी ने 1.5 गुना उसकी कैपेसिटी बढ़ाई थी, 1.5 लाख क्विंटल गेहूँ की पिराई का ज़्यादा बढ़ाया था, वही काम आप करेंगे, ये हमारा और लोकदल का समाजवादी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और पिछले चुनावों में खुद स्वयं राजनाथ सिंह जी, संजीव बालियान, खुद योगी आदित्यनाथ शुगर मिल को चालू कराने का आश्वासन दे करके गई थी, अभी तक दोबारा चुनाव होने के जा रहे हैं, कोई भी आश्वासन इनका पूरा नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे? आश्वासन, ये जुमलों की सरकार है, झूठे वादे करना इनके स्वभाव में आ गया, इनको ये महसूस नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बोल जाते हैं। अब यहाँ पे कई लोग संघर्ष समिति में बैठे हैं, यहाँ शंकर सिंह जी हैं दद्दीगढ़ी के, ये कई बार बेचारे राजनाथ सिंह जी पे, राजनाथ सिंह स्वयं आके यहाँ पर तरौली में उनने घोषणा की, चौमा में उनने घोषणा की, राल में उनने घोषणा की कि मैं चला दूंगा, और जाते हैं तो हाँ हाँ इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, सिवाय टालने के और बहकाने के और झूठ बोलने के अलावा उन पर कोई काम नहीं। कल अजय मिश्र टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने पत्रकारों के साथ में अभद्रता की है, गाली गलौज की, धक्का मुक्की भी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतने उच्च पद पे होकर, राज्य मंत्री केंद्र के होकर अश्लील भाषा का प्रयोग करें, धक्का मुक्की करें, मीडिया का काम है पूछ रहा, चौथा स्तंभ है मीडिया हमारे समाज का, तो उससे अभद्र भाषा का प्रयोग, मेरे को तो उनको प्रधानमंत्री ने बुलाया, लेकिन मुझे तो हमें तो ये उम्मीद थी कल रात को उनसे त्यागपत्र ले लिया जाएगा, लेकिन ये सरकार तो ऐसी है, आपको ध्यान होगा वो सेंगर साहब बलात्कार में फंसे हुए थे, 1.5-2 साल घूमते रहे, बचाते रहे ये लोग हैं, तो ऐसी सरकार है ये, तो बलात्कारियों को, भूमाफियों को, कतलियों को बचा रही है, तो अब उससे इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि ब्राह्मण ना रहे। अरे ब्राह्मण कभी भी दुष्कर्मी व्यक्ति के या दुराचारी व्यक्ति के या कतली के कभी फेवर में नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, हम इससे उठा, इससे हटा दिया, तो अरे ब्राह्मण और भी तो है भाई आपके पास,
ब्राह्मणों की वजह से तो ये आपकी सरकार ही चल रही है। जय श्री राम, आप ब्राह्मणों की वजह से तो कर ही रहे हो। अब मथुरा पे वज्रपात और शुरू होने वाला, शांतिपूर्वक यहाँ पे काम चल रहा है, प्रेम से हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, मंदिर का कोई इशू नहीं है, पहले समझौता हो चुका है मुसलमानों के संगठन में और हिंदुओं के संगठन में डीएम की मौजूदगी में, 1946 में हुआ, 1953 में हुआ, 1962-63 में हुआ, के तीन तीन समझौते हो गए, मस्जिद अलग बनी है, मंदिर अलग बना है, भगवान कृष्ण का जन्म जहाँ हुआ है वो जन्म स्थल ही वहाँ मौजूद है, कटरा केशव में जो प्राचीन मंदिर है वो तो जन्मभूमि से भी प्राचीन है जी। तो ऐसे उस पर एक नया सगुफा छोड़कर मथुरा की शांति को भंग करना चाहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। मथुरा शांतिपूर्वक स्थल है, यहाँ पर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, या हिंदू भी प्रेम से रह रहा है, मुसलमान भी प्रेम से रह रहा है, इसलिए ये तो इस तरह की भावना पैदा करके एक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। राम जन्मभूमि को लेके इन्होंने इतने वर्षों उसको जीवित रखा, अब उनको वो खत्म हो गया चैप्टर, तो नहीं ये शुरू नया कर दिया। ठीक, तो इसलिए उसको गृहराज बंदी को तत्काल नैतिकता के आधार पर स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए।